नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी सबरंग। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस पावन पर्व पर आतिशबाजी का खास महत्व है। आइए एक नजर डालते हैं रुद्रपुर के पटाखों के अस्थाई मार्केट पर, जहां का नजारा लिया हमारे रिपोर्टर हिमांशु नरूला ने कैमरामैन नीरज आर्या के साथ। दीवाली थी, ये रेगुलेट करें जिससे लोग दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल जी। ठुकराल जी से जानना चाहेंगे किस प्रकार से हमारे दर्शकों को दीपावली का संदेश देना चाहेंगे। इस टाइम पूरे शहर में दीपावली की धूम है, तो ठुकराल जी किस प्रकार से आप हमारे दर्शकों को शुभ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ का विधायक होने के नाते समग्र जनता को, सम्मानित नागरिकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी के जीवन में नए उत्साह का संचार हो, ज्योतिर्मय रश्मियों द्वारा सभी का जीवन आलोकित हो, कटुता का, ईर्ष्या का, वैमनस्य का भाव बिल्कुल समाप्त हो। हम सभी लोग इस हिंदुस्तान में प्रीति की भावना से प्यार मोहब्बत की डोर को और मजबूत करते हुए एक दूसरे के साथ भाईचारे का माहौल बनाएं, और वो लोग जो समाज विरोधी काम करते हैं या हमारे राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, तभी आज के त्योहारों की सार्थकता सिद्ध होगी। दीपावली एक पावन पर्व, भगवान राम जब अयोध्या में लौटे थे, लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का वध करके आए थे, तब अयोध्या में दीपावली का त्यौहार, दीपों का त्यौहार मनाया गया था। उसी को प्रतिवर्ष हम लोग उसके संकेत के रूप में मनाते हैं, और ये दीपावली का पर्व हमारे जीवन में, एक हिंदू संस्कृति में एक पावन पर्व है जो हमें हमारी हिंदुत्व होने का बोध कराता है। और मैं इस त्यौहार के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामना देते हुए सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं सब क्षेत्रवासियों को धनतेरस की और दीपावली की, भैया दूज की और छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं, और माता रानी से और भगवान से यही उम्मीद करता हूं कि आशीर्वाद वो दें और हमारे क्षेत्र में सबकी खूब तरक्की हो, खूब बरकत हो, सबके कामकाज बढ़े। और खासकर दिवाली के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पटाखों का इस्तेमाल सब लोग कम से कम करें, और दिए भी मैं चाहूँगा कि मिट्टी के सब लोग इस्तेमाल करें, और हमारे हिंदुस्तान का ही बनी हुई लाइटें हों, कोई भी सामान हो, कोई भी बाहर का सामान, चाइना का या कहीं का भी इस्तेमाल ना करें, और आपस में प्यार बना रहे, और यही मेरी कामना है कि खूब तरक्की हो, बरकत हो, सब लोग आगे बढ़े हमारे क्षेत्र के। रुद्रपुर के सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा सभी से निवेदन है कि ये त्यौहार अच्छे से मनाएं, छोटे बच्चों को पटाखों से दूर रखें और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, जगह जगह कूड़ा ना फैलाएं, कूड़ेदान में ही डालें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है दीपावली का त्यौहार आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। पुनः आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहनों से ये अपील है कि, क्षेत्रवासियों से अपील है कि इस बार स्वदेशी सामान का प्रयोग करें, अपने देश का पैसा देश में रहे, चाइना का सामान कम से कम प्रयोग करें। लोगों से यही अपील है कि इस बार स्वदेशी सामान का प्रयोग करें।
दीपावली की पूर्व संध्या पर रोडवेज पर काफी भीड़ दिखाई पड़ी और पर्याप्त बसों के इंतजाम न होने की वजह से यात्री काफी परेशान दिखे। हम सभी लोग और वो लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे का माहौल बनाएं और वो लोग जो समाज विरोधी काम करते हैं या हमारे राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं उनके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, तभी आज के त्योहारों की सार्थकता सिद्ध होगी। दीपावली एक पावन पर्व, भगवान राम जब अयोध्या में लौटे थे लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का वध करके आए थे, तब अयोध्या में दीपावली का त्यौहार, दीपों का त्यौहार मनाया गया था, उसी को प्रतिवर्ष हम लोग उसके संकेत के रूप में मनाते हैं। और ये दीपावली का पर्व हमारे जीवन में एक हिंदू संस्कृति में एक पावन पर्व है जो हमें हमारी हिंदुत्व होने का बोध कराता है। और मैं इस त्यौहार के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामना देते हुए सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं सब क्षेत्रवासियों को धनतेरस की और दीपावली की, भैया दूज की और छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं और माता रानी से और भगवान से यही उम्मीद करता हूं कि आशीर्वाद वो दें और हमारे क्षेत्र में सबकी खूब तरक्की हो, खूब बरकत हो, सबके कामकाज बढ़े। और खासकर दिवाली के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पटाखों का इस्तेमाल सब लोग कम से कम करें और दिए भी मैं चाहूँगा कि मिट्टी के सब लोग इस्तेमाल करें और हमारे हिंदुस्तान का ही बनी हुई लाइटें हों, कोई भी सामान हो, कोई भी बाहर का सामान, चाइना का या कहीं का भी इस्तेमाल ना करें और आपस में प्यार बना रहे। और यही मेरी कामना है कि खूब तरक्की हो, बरकत हो, सब लोग आगे बढ़े हमारे क्षेत्र के। रुद्रपुर के सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा सभी से निवेदन है कि ये त्यौहार अच्छे से मनाएं, छोटे बच्चों को पटाखों से दूर रखें और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, जगह जगह कूड़ा ना फैलाएं, कूड़ेदान में ही डालें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है दीपावली का त्यौहार आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। पुनः आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहनों से ये अपील है कि क्षेत्रवासियों से अपील है कि इस बार स्वदेशी सामान का प्रयोग करें, अपने देश का पैसा देश में रहे, चाइना का सामान कम से कम प्रयोग करें। लोगों से यही अपील है कि इस बार स्वदेशी सामान का प्रयोग करें। और फिर से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उधम सिंह नगर की हर खबर व मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए टीवी सवरंग। नमस्कार।